हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनवरी 2021 की इंग्लिश के पेपर की, पेपर वन का इंग्लिश का। एज अ लैंग्वेज फर्स्ट हमने इंग्लिश सेलेक्ट किया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। पार्ट फोर इंग्लिश वन, लैंग्वेज वन है हमारा इंग्लिश। तो 91 से लेके 120 तक के क्वेश्चंस क्या आएंगे, हमारे इंग्लिश से रिलेटेड आएंगे। फर्स्ट में हमें पता है कि इंग्लिश में दो पैसेज आते हैं, तो यहाँ पे भी पैसेज फर्स्ट है, जिससे क्वेश्चंस 91 से 99 तक के क्वेश्चंस आएंगे। आप क्या करेंगे, पैसेज को वीडियो पॉज करके पढ़ लें, ठीक है। पहले आप क्या पढ़ें, फर्स्ट पॉइंट पढ़ें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद देन मैं स्क्रॉल करती हूँ, उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद लास्ट थर्ड पॉइंट है, वो है नेक्स्ट कॉलम में, जो कि है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आप तीनों पॉइंट पढ़ लेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पैसेज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पैसेज को स्किप नहीं कर सकती कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो फिर पैसेज में से ढूंढेंगे, तो नहीं। आपको पहले पैसेज पढ़ना है वीडियो को पॉज करके। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है 91। चिल्ड्रन रिस्पॉन्डेड टू द फर्स्ट रेन ऑफ समरी बाय, फर्स्ट है गिविंग शाउट ऑफ जॉय, सेकेंड है फ्लोटिंग पेपर बोट्स इन वाटर, थर्ड है रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन, और फोर्थ है सिंगिंग सॉन्ग। चिल्ड्रेन कैसे अपने फर्स्ट रेन को पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हमें पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है। तो इसमें पैसेज के अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रनिंग एंड प्लेइंग इन वाटर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। द टाइनी स्प्रिंग इशू फ्रॉम द रॉक इज हिडन बाय, फर्स्ट है थिक मॉस, सेकेंड है मेडन हेयर फर्न, थर्ड है बशेस एंड क्रीपर्स, और फोर्थ है ऑल टॉल ग्रासेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेडन हेयर फर्न, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। टू बिकम पार्ट ऑफ अ रिवर अ टाइनी ड्रॉप हैज़ टू, फर्स्ट हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, सेकेंड है डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फोर्स, थर्ड है सफर अ लॉट, और फोर्थ है मर्ज इट्स आइडेंटिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कि अगर किसी टाइनी ड्रॉप्स को रिवर का पार्ट बनना है तो वो क्या करेगी, अपनी आइडेंटिटी को मर्ज कर देगी, मर्ज इट्स आइडेंटिटी, ठीक है। अगर आप पैसेज ढंग से पढ़ लेंगे पूरा एक बार में पढ़ लेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड पाउंडिंग एज यूज इन पैरा सेकेंड ऑफ द पैसेज। पैसेज सेकेंड में आया हुआ वर्ड पाउंडिंग जो है उसका सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड हमें ढूंढना है, ठीक है। क्या वो शेकिंग होगा, बी नंबरिंग होगा, पैल्पिटेटिंग होगा, या फिर सिंकिंग होगा। तो पाउंडिंग का सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, पैल्पिटेटिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट अपोजिट, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि सिमिलर पूछा गया कि अपोजिट। तो मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड डिसेंड्स, पैरा कौन से पैरा में है, पैरा नंबर थर्ड में, तो हमें बताना है क्या उसका फ्लो होगा, एसेंट्स होगा, होवर होगा या जूम होगा। तो डिसेंट का क्या हो जाएगा, एसेंट,
तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑलमोस्ट ओवरनाइट न्यू हेयर सॉरी न्यू ग्रास स्प्रिंग अप। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है, क्या वो प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या है हमारा, एडवर्ब है। तो ऑप्शन नंबर फोर क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर। हमें बताना है इसमें किस पार्ट में एरर है, क्या ही न्यू में है, डैट ही विल में है, गो बैक में है या ऑन हिज प्रॉमिस में है। तो किस पार्ट में एरर है, तो डैट ही विल में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, एरर है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ही न्यू मतलब पास्ट की बात की जा रही है और यहाँ पे विल की बात की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सेकंड में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फर्स्ट है देयर इज अ रिन्यूअल एवरीवेयर, सेकंड है न्यू ग्रासेस स्प्रिंग अप, थर्ड है द स्वेल्टरिंग हीट कम टू एन एंड या फोर्थ है द डैम्प अर्थ रिलीजेस अ स्वीट फ्रेग्रेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट नहीं है, थर्ड द स्वेल्टिंग हीट कम्स टू एन एंड, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, द अर्थ डज नॉट लुक डैश बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। यहाँ ये जो ब्लैंक है वहाँ पे क्या आएगा, क्या क्रैक्ड आएगा, क्या ब्राउन आएगा या डस्टी आएगा या टायर्ड आएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आने वाला है, ब्राउन। द अर्थ डज नॉट लुक ब्राउन बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट की तरफ, जिससे रिलेटेड 100 से 105 तक के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे और एक्सट्रैक्ट का इतना हिस्सा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये नीचे वाले हिस्से भी पढ़ लेंगे। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं अगर आपको टाइम लग रहा है तो, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, द ट्री प्रेसेस इट्स माउथ अगेंस्ट द स्वीट अर्थ फ्लो ब्रेस्ट टू। फर्स्ट है एक्सप्रेस इट्स ग्रेटिट्यूड टू इट, सेकंड है ड्रॉ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट, थर्ड है ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम इट और फोर्थ है एक्सप्रेस इट्स लव फॉर इट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड ड्रॉ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, द ट्री प्रेस टू गॉड बाय स्विंगिंग इट्स ब्रांचेस या लिफ्टिंग हर आर्म्स या थर्ड प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स एंड फ्लावर्स या फोर्थ प्रोवाइडिंग शेड टू ट्रैवलर्स। तो ट्री प्रे कर रही है गॉड से कैसे, बाय लिफ्टिंग हर आर्म्स। तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोयम। कौन सा सही नहीं है पोयम के कॉन्टेक्स्ट पे। तो फर्स्ट है द ट्री वेलकम द स्नो ऑन इट्स ब्लॉसम, सेकंड है द ट्री सिंबलाइज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, थर्ड है द ट्री अलाउ बर्ड टू बिल्ड देयर नेस्ट इन इट या फोर्थ है इट्स लीव्स क्लोजली विथ रेन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड द ट्री सिंबलाइज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी,
पोएम के कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच की बात की गई है। ठीक है, अगर आप वो लाइन भूल गए हों तो इसके लिए इन दोनों लाइन की बात की जा रही है, इनमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो आप बताएंगे कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ है, क्या सिमिली हुई है, पर्सोनिफिकेशन हुई है, या मोनोटोनी हुई है, या एलिट्रेशन हुई है। तो इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच हुई है, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, आइडेंटिफाई नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन पोयम, पोयम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी। इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच की बात की गई है, क्या मेटाफोर है, पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली है, या हाइपरबोला है। तो हाइपरबोले, तो इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच की बात की गई है, सिमिली। जहाँ भी हमें लाइक दिखेगा उसमें सिमिली की बात की जाती है। ठीक है, और ये काफ़ी इजी वाली फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, और फिगर ऑफ स्पीच से हर पेपर में 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, इसलिए आप फिगर ऑफ स्पीच भी अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, द वर्ड माउथ इन द लाइन 3 रिफर्स टू द डैश ऑफ द ट्री। ठीक है, जो थर्ड लाइन में माउथ है वो ट्री क्या के लिए रिफ़र किया गया है। ठीक है, तो क्या वो क्राउन के लिए, ब्रांचेस के लिए, ट्रंक के लिए, या रूट के लिए, किस चीज़ के लिए रिफ़र किया गया है ट्री। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रूट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, अब से हमारे क्या हो जाएंगे, पैसेजेस के क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 106 क्या है, ए लैंग्वेज टीचर फर्स्टली आस्क स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ टू ईच अदर इन द क्लास, देन शी आस्क देम टू इंट्रोड्यूस देयर फ्रेंड टू ईच अदर, दिस एक्टिविटी हेल्प देम्स टू इंक्रीज। क्या वो BICS के लिए इंक्रीज कर रहे हैं, ये क्या है, एक्टिविटीज़ हैं, इनका शॉर्टकट दिया गया है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, BICS के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, लिटरेचर शुड बी इंक्लूडेड इन लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज, पेडागोजी का क्वेश्चन है। फर्स्ट, इट हेल्प्स लर्नर टू बी बडिंग राइटर्स। सेकंड है, इट गिव्स एक्सपोजर टू डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर। थर्ड है, इट डेवलप्स मोरल वैल्यूज अमंग द लर्नर। या फोर्थ है, इट एक्सपोज देम टू डिफरेंट जेनर्स, कल्चर एंड सोशल इशू। तो लिटरेचर को क्लासरूम में क्यों इंक्लूड करना चाहिए, तो इसका जो सही मतलब बेस्ट रीज़न हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ, इट एक्सपोजेस देम टू डिफरेंट जेनर्स, कल्चर एंड सोशल इशू। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, ए टीचर मेक्स हर लर्नर्स रिस्पॉन्ड टू हर एक्शन एंड स्पीच ओनली बाय बॉडीली मूवमेंट, व्हाट इज दिस नोन एज, उसे क्या कहेंगे, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेटिव अप्रोच, या प्लेवे मेथड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, क्योंकि टीचर क्या चाह रहा है कि बच्चे उनके एक्शन और स्पीच का पूरे बॉडीली मूवमेंट के द्वारा रिस्पॉन्ड करें, तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, इन अ लैंग्वेज क्लास स्टूडेंट्स आर मेमोराइजिंग द डायलॉग्स थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस एंड द टीचर इज करेक्टिंग देयर प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स इमिडिएटली, दे आर प्रैक्टिसिंग द डायलॉग्स इन कोरस, द टीचर्स इज फॉलोइंग द डायरेक्ट मेथड, नेचुरल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, या CLT मेथड। ठीक है,
तो ये कौन से मेथड की बात की जाए, यहाँ पे टीचर यूज़ करी है वो है ऑडियो लिंगुअल मेथड, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, द ओरल एरर ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी बेस्ट करेक्टेड इफ द टीचर फर्स्ट करेक्ट्स एन एरर डायरेक्टली आफ्टर द स्टूडेंट हैज़ मेड द एरर, या सेकेंड पॉइंट आउट द एरर इन जनरल एंड लेट द स्टूडेंट ट्राई टू करेक्ट द हिमसेल्फ फर्स्ट, थर्ड इग्नोर द एरर एज इट मे हैम्पर देयर लर्निंग, या फोर्थ हो जाएगा आस्क अदर स्टूडेंट टू हेल्प हिम एज पीयर ट्यूटरिंग इज मस्ट इन स्कूलिंग। तो जब बच्चे ओरल एरर्स कर रहे हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए, हो जाएगा सेकेंड पॉइंट आउट द एरर इन जनरल एंड लेट द स्टूडेंट ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ फर्स्ट, ठीक है, बच्चे को पहले सुधारने का मौका देना चाहिए और फिर सुधार करना चाहिए, ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, एज अ पेयर एक्टिविटी द टीचर गिव्स हर लर्नर ऑलमोस्ट द सेम पिक्चर्स एंड आस्क देम टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू स्टूडेंट्स, आस्क ईच अदर क्वेश्चन टू डिस्कवर हाउ द टू पिक्चर्स आर डिफरेंट, दिस कैन बी, अगर टीचर ने एक सेम दो ऑलमोस्ट सेम पिक्चर दी और उनमें डिफरेंस ढूंढने को पूछा गया दो स्टूडेंट्स के बीच में, तो ये क्या कर रहा है, क्या ये ग्रामर एक्टिविटी है, स्कीपिंग स्पीकिंग एक्टिविटी है, क्लोज बेस एक्टिविटी है, या क्रॉसवर्ड एक्टिविटी है, तो ये कौन सी एक्टिविटी की बात की जा रही है, स्पीकिंग एक्टिविटी की, ठीक है, क्योंकि बच्चे बोल करके उनके डिफरेंसेस को बताएंगे, आपस में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए स्पीकिंग एक्टिविटी हो जाएगी। नेक्स्ट है 112, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ इज हैविंग सम प्रॉब्लम इन राइटिंग, शी मे हैव डिसलेक्सिया डिसग्राफिया डिस्पेजिया डिसकैलकुलिया, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और लर्निंग डिसेबिलिटी से ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, तो यहाँ पर राइटिंग की बात हो रही है इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिसग्राफिया करेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपको रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती किसी चाइल्ड को तो वो होता डिसलेक्सिया, अगेन राइटिंग के लिए होता है तो डिसग्राफिया, डिसफेजिया में लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है और डिसकैलकुलिया में मैथ से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, मतलब बच्चे को मैथ समझने में डिफ़िकल्टी होती है, तो चारों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, इट स्पेसिफाई द रूल्स विच गवर्न द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इनटू फ्रेजेस क्लॉज एंड सेंटेंस, ये क्या होता है, डिस्कोर्स होता है, सिमेटिक्स होते हैं, सिंटैक्स होता है, कोहेजन होता है, तो ये यहाँ पे किस चीज़ की बात करी है, सिंटैक्स की बात की जा रही है कि वो रूल जिसमें हम अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स करते हैं फ्रेज क्लॉज और सेंटेंसेस के इसमें, तो ये क्या होता है, सिंटैक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, अ टीचर ऑफ क्लास सिक्स हैज़ लेबल्ड द क्लासरूम ऑब्जेक्ट सच एज ब्लैकबोर्ड डोर विंडो फैन टेबल चेयर एक्सेट्रा इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, हिंदी इंग्लिश उर्दू संस्कृत एक्सेट्रा, हियर द क्लासरूम एज अ होल, ठीक है, एक टीचर ने क्या किया, सिक्स क्लास में हर चीज़ों की नाम लिख दिए और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखे, ठीक है, हिंदी में उर्दू में संस्कृत में इंग्लिश में, है ना, तो ये क्या मतलब चीज़ है, इज़ अ लर्निंग थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड, इज़ अ क्रिएटिंग अ लैंग्वेज कन्फ्यूजन इन स्टूडेंट, या फिर इज़ फोकसिंग ऑन थ्री लैंग्वेज फार्मूला, या फोर्थ है इज़ अ रिच रिसोर्स फॉर प्रोमोटिंग मल्टीलिंग्विज्म, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमें सीधे सीधे दिख रहा है क्योंकि हम यहाँ की ऑब्जेक्ट को डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिख रहे हैं तो ग्रामर ट्रांसलेशन की बात नहीं हो रही है, बच्चे में कन्फ्यूज़न हो ऐसा तो हम करते ही नहीं है, ठीक है, और थ्री लैंग्वेज फार्मूला पर बात भी नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस है, थ्री से ज़्यादा है, तो थ्री लैंग्वेज फार्मूला की भी बात नहीं हो रही, तो लास्ट ऑप्शन ही बच जाता है और वही बेस्ट आंसर है, इज़ द रिच रिसोर्स फॉर प्रोमोटिंग मल्टीलिंग्विज्म, हम मल्टीलिंग्विज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, द असेसमेंट प्रोसेस नॉट ओनली असेस स्टूडेंट्स लर्निंग बट ऑल्सो असेस
टीचर्स टीचिंग प्रोसेस दिस स्टेटमेंट इज। असेसमेंट प्रोसेस बच्चे को ही असेस नहीं करता है, आकलन नहीं करता है, बल्कि टीचर की भी शिक्षण पद्धति का आकलन होता है। ये स्टेटमेंट क्या है, फुल्ली रॉन्ग, फुल्ली राइट, पार्शली राइट या बेसलेस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फुल्ली राइट। बात सही है कि जब बच्चे का आकलन होता है उसके साथ टीचर के भी टीचिंग प्रोसेस का आकलन होता है, तो ये बिल्कुल सही है, फुल्ली राइट, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, द लैंग्वेज विच इज लर्न फ्रॉम इन्वायरमेंट विथआउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग इज फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज या स्कूल लैंग्वेज। ऐसा लैंग्वेज जो हम क्या करते हैं, वातावरण से सीख लेते हैं बिना किसी टीचिंग के या किसी के मदद के, तो वो क्या होती है, क्या फर्स्ट लैंग्वेज होती है, सेकंड लैंग्वेज होती है, थर्ड लैंग्वेज या स्कूल लैंग्वेज होती है? तो वो लैंग्वेज क्या होती है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जिसे हम मदर टंग बोलते हैं। ऐसी लैंग्वेज जो हमारे घर में वातावरण से हम सीख लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हो जाती है, मातृभाषा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, ए टीचर इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स पुअर स्पेलिंग, शी लिस्टेड द प्रॉब्लेबल कॉसेस फॉर इट एंड देन डिसाइडेड टू फ्रेम सम स्टेप्स टू ओवरकम इट। द होल प्रोसेस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, इम्प्रूविंग स्पेलिंग, एक्शन रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च। तो एक टीचर ने देखा कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो गलत स्पेलिंग लिख रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक डिसाइड किया कि मैं कुछ स्टेप्स से इसको क्या कर दूँगी, ओवरकम कर लूँगी। तो वो पूरी प्रोसेस क्या है, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इम्प्रूविंग स्पेलिंग है, एक्शन रिसर्च है या अप्लाइड रिसर्च है? तो टीचर क्या कर रही है, एक्शन रिसर्च कर रही है, ठीक है, उन्होंने कुछ एक्शंस ली हैं, पहले रिसर्च किया, अब उन पर क्या लेने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, रीडिंग पिक्चर बुक मीन्स फर्स्ट है एक्सपोजिंग लर्नर्स टू डिफरेंट स्टाइल ऑफ ड्राइंग, सेकेंड है टू लर्न help learners to understand and analyze their pictures, third है to help learners to draw neat and colorful picture, या fourth है that teachers love pictures and it will be a fun loving class। तो reading picture books का मतलब क्या होता है, क्या हम teacher को books, जो बच्चे हैं उन्हें pictures पसंद हैं इसलिए class अच्छी हो जाएगी, ऐसा होगा? तो ये बात बिल्कुल नहीं है। ये बच्चे को साफ़ सुथरी ड्राइंग करने में मदद करेगा, तो ये भी बात नहीं है। या फिर कि बच्चे क्या करेंगे, डिफरेंट स्टाइल ऑफ ड्राइंग देख पाएंगे, तो ये भी बात गलत हो जाएगी। तो बेस्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, टू हेल्प लर्नर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पिक्चर। बच्चे क्या करेंगे, पिक्चर बुक को देखेंगे, उन्हें समझेंगे और उससे क्या करेंगे, उन्हें बहुत सारे कुछ सीखने को मदद मिलेगी, उन्हें एनालाइज करेंगे कि पिक्चर किस बारे में है और पिक्चर की मदद से वो सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक अ टीचर शुड एट फर्स्ट फोकस ऑन। कोई भी नया चैप्टर टेक्स्ट बुक में स्टार्ट करने से पहले टीचर को क्या चीज़ पर फोकस करना चाहिए, फर्स्ट द बैकग्राउंड सेटिंग ऑफ स्टोरी इट्स हिस्ट्री एक्सेट्रा, सेकेंड द प्रोफाइल वर्क ऑफ अ पोएट राइटर, या थर्ड रिलेटिंग द स्टोरी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, या फोर्थ है द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन द चैप्टर एंड द डिफिकल्ट वर्ड। तो किसी भी न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम उसको क्या करते हैं, प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करते हैं। तो इसका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड। इंग्लिश में ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट में भी अगर कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हम उसे प्रीवियस एक्सपीरियंस या प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट जरूर करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिलेटिंग द स्टोरी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का 120, टीचर आस्क लर्नर्स टू रीड अलाउड इन इंग्लिश क्लास द वे ऑफ रीडिंग विल। ठीक है, एक टीचर क्या करती है, स्टूडेंट्स को बोलती है कि वो जोर जोर से इंग्लिश की क्लास में पढ़े, तो वो रीडिंग का वे क्या होगा, फर्स्ट इनेबल लर्नर्स टू डेवलप रीडिंग स्किल विथ अंडरस्टैंडिंग, सेकंड इनेबल लर्नर टू रीड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूजिंग द प्रोनाउंसिएशन मार्क्स,
थर्ड है इनेबल अ लर्नर टू बी अ फास्ट रीडर, या फोर्थ है हेल्प द टीचर टू कंप्लीट द सिलेबस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो अगर बच्चे जोर जोर से पढ़ रहे हैं तो इससे सिलेबस जल्दी से कम हो जाए ख़त्म हो जाएगा, ये बात गलत है। बच्चे फास्ट रीडर बन जाएंगे, ये भी बात क्या है, गलत है। और बच्चे में रीडिंग स्किल डेवलप हो जाएगी, जोर से पढ़ने से जो रीडिंग स्किल है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ डेवलप होगी, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, अगर वो बच्चे जोर जोर से पढ़ेंगे तो उनकी प्रोनाउंसिएशन ज़रूर करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 120 का सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इसके साथ ही हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है, इंग्लिश के हमारे 30 क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।